हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर अब तक अपन ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है और सभी के एग्जांपल भी आप लोगों ने देखे हैं। तो होप करता हूं कि अब तक आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल एंड परचेज। अब ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर कोई चीज़ सेल करनी है या अपने को कोई चीज़ परचेज करनी है, उसके बारे में अगर अपने को एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना हो तो थोड़ा किस तरह से करना है, तो अगेन वापस अपन उसी पैटर्न पर चलते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए अपने को रिक्वायर्ड डिटेल में क्या क्या बातें मायने में रखनी है, ताकि एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करो तब उन बातों को आप उसके अंदर अच्छे से मेंशन कर पाओ। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो इफ़ेक्टिव बनेगा और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपका काम जो है वो एडवर्टाइजमेंट डालते ही इजीली पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल एंड परचेज के अंदर कौन कौन सी रिक्वायर्ड डिटेल्स है जो अपने को माइंड में रखनी होती है। सबसे पहली बात तो है टाइप। टाइप का मीन्स है कि आप पर्टिकुलर किसी मटेरियल को या किसी थिंग को, किसी वस्तु को सेल करना चाह रहे हो या फिर उसको परचेज करना चाह रहे हो, वो किस टाइप की है। क्या वो कोई घर है या कोई हॉल है या फ्लैट है या कोई कार है या एसी है या बाइक है। दुनिया में खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सपोज़ मुझे मेरा मोबाइल सेल करना है। ठीक है, मैंने रिसेंटली अभी साल भर में मोबाइल लिया है, अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं मेरा मोबाइल अब डायरेक्ट किसी को बोलूँगा तो हो सकता है वो नहीं ले, लेकिन मैं एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करूँ कि भाई मेरे पास इस टाइप का, इस कंपनी का और इस फैसिलिटी वाला एक मोबाइल मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैंने इतना टाइम यूज़ किया हुआ, अभी फ्रेश है, नया है, तो कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करे और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ये है। तो ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, उनमें से मैक्सिमम इंक्वायरीज आपके पास आ सकती है और फिर आप अपना मोबाइल अच्छी कीमत पर उसको बेच सकते हो। तो सबसे पहली बात यही है कि आपकी जो सेल और परचेज की जो टाइप है वो हाउस है, फ्लैट है, हॉल है, कार है, एसी है, मोबाइल है, बाइक है, स्कूटर है, वॉट एवर जो थिंग आप सेल या परचेज करना चाह रहे हो वो अपने को मेंशन करना होता है। सेकंड थिंग अपने को लिखना होता है डिस्क्रिप्शन। अगेन डिस्क्रिप्शन का मीन्स यही कि जो आइटम या जो मटेरियल आप सेल या परचेज करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में डिटेल से बताना है कि वो आइटम या जो थिंग है वो किस डिटेल को पूरा कर रही है। नेक्स्ट आता है उसकी कंडीशन के ऊपर, क्योंकि देखो घर बेचना है, मोबाइल बेचना है, कार बेचनी है, आपका घर का पुराना एसी बेचना है, तो उसकी कंडीशन के आपके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसकी राइट नाउ कंडीशन कैसी है। ठीक है, आज अगर मुझे मेरा घर बेचना है तो मुझे मेरे घर के बारे में मुझे डिटेल से बताना होगा कि मेरे घर को बनने को 15 साल हुए हैं, उसके अंदर इस तरह की कंडीशन है, इतने रूम्स है, इतने किचन है या लेट बाथ वगैरह एक हॉल है, जो भी वॉट एवर जो उसकी कंडीशन है, किस तरह का बना हुआ है, फर्नीचर कैसा है, ये मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बताना होगा। देन बताना फैसिलिटीज़। कंडीशन और फैसिलिटीज़ थोड़े मिलते जुलते हैं। फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी सुविधाएँ आप जिस आइटम को सेल या परचेज करना चाह रहे हो उसके अंदर अवेलेबल है, तो उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में अपने को बताना होता है। नेक्स्ट आता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये कि सपोज़ मुझे मेरा घर बेचना है तो मुझे थोड़ा मेंशन करना चाहिए कि मेरा जो घर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका जो कब बना, वो कौन से ईयर में बना, बनने को कितने साल हो गए, या मुझे मेरी बाइक बेचनी है या मुझे मेरी कार बेचनी है तो वो कार का मॉडल किस ईयर का है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बंदा कोशिश करता है कि उसको लेटेस्ट वर्जन उसको उस चीज़ का मिले। ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये अपने को मेंशन करना होता है। देन आता है कॉस्ट और प्राइस, कि आप जिस मटेरियल को, जिस आइटम को आप बेचना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली आपके माइंड में क्या चल रही है, कितना आपका बजट है, जितने में आप मैक्सिमम उसको बेच सकते हो या उसको खरीद सकते हो, तो हो सके तो प्राइस और कॉस्ट को भी अपने को अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करना चाहिए। देन आफ्टर आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब देखो जब कभी भी बेचने और ख़रीदने की बात आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पेपर्स का। पेपर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर आइटम या थिंग के पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट संबंधी कोई भी जानकारी वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई बंदा घर खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो बोलेगा कि आपके घर के पेपर दिखाओ, यानी कि अगर आपके पेपर कंप्लीट है तो वो एश्योर हो जाएगा कि ये इलीगल नहीं है, लीगल मैटर है। उसी तरह आपको कार बेचनी है तो कार के भी पेपर होते हैं, RC वगैरह होता है, तो वो अपने को बेचना होता है।
ठीक है ना, तो अपने को मेंशन करना होता है, तो अपने को डॉक्यूमेंट डिटेल्स के बारे में भी मेंशन करना है, ठीक है ना। और एंड में अपने को लिखना है वही कॉन्टैक्ट, भाई आप घर खरीदना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट कहाँ पर करना है। बंदा अगर लेना भी चाह रहा होगा तो कॉन्टैक्ट करेगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका एड्रेस वगैरह उसके अंदर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन की एक मारुति 800 कार है, उसको सेल करना है। किसी बंदे के पास मारुति 800 एक कार है जिसको वो सेल करना चाह रहा है, तो उसने किस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर किया है आप इसको समझो, और इसी तरह से दूसरे एडवर्टाइजमेंट आप सेल और परचेज के आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसने मेंशन किया है कि अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि सेल करने के लिए अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? मारुति 800 विथ एसी एंड गैस किट, विथ एसी एंड गैस किट, ठीक है। अब मारुति 800 कार उसको बेचनी है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है और गैस किट भी लगा हुआ है, यानी कि अगर पेट्रोल डीजल नहीं अवेलेबल है तो गैस किट से भी कार चल सकती है, इसकी एक फैसिलिटी है, ये अच्छी बात है। और मॉडल है ये 2017 का, यानी कि 2017 में इसको परचेज किया गया है, ठीक है ना। क्रीम कलर, कलर उसका क्रीम कलर है। इन वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार उसकी वर्किंग कंडीशन है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो ये आपने मेंशन किया है। विथ न्यू टायर्स, और सारे जो टायर्स हैं उस गाड़ी के वो भी बिल्कुल फ्रेश है, नए लगे हुए हैं। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस इज 2,50,000, और उसने जो डिमांड करी है कि भाई मैं इस कार को अप्रोक्सीमेटली लगभग मुझे इतने में इसको सेल करना है। देखो है ना, प्राइस जो होती है वो एक अप्रोक्सीमेटली लिखी जाती है, और जब प्रैक्टिकली जब वो चीज़ पॉसिबल होती है तब ये प्राइस वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है ना। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़, अब जो पार्टीज़ इंटरेस्टेड है इस कार को ख़रीदने के लिए वो क्या कर सकती है, मैं कॉन्टेक्ट कर सकती है इस बंदे से जिसका नेम है अमर सिंह, 163 आदर्श नगर चूरू, ठीक है ना, चूरू के आदर्श नगर के 163 मकान नंबर में रहने वाला बंदा है जिसके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर कोई बंदा इस कार को ख़रीदने का इंटरेस्टेड है तो वो इस पते पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब तक आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये आप लोग अब अच्छे से समझ चुके होंगे। होप करता हूँ आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट खुद प्रिपेयर कर लेंगे, और आप अपने लेवल से अपनी नोटबुक के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर आते हैं, या अपनी खुद की क्रिएटिविटी से नए नए एडवर्टाइजमेंट आप खुद बनाएं, जैसा मैंने आपको एक एक एग्जांपल लेके हर टाइप के आपको समझाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।